लाओ यार इतनी थक गए तुसी लाओ रेडी मजदूर एकता जिंदाबाद 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 सर मेरा नाम हरीश कुमार है, मैं मोमोज एंड मोर वाला हूँ। ऐसे समस्या ये आ रही है कि भी हम लोग कुछ रेडी वाले जैसे डीएवी भूपिंद्रा रोड पे, उस पर इतनी चौड़ी सड़क है कि ये जो वेंडर हैं अपनी रेडी लगाते हैं, और ये समस्या आ रही है कि भी एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है ये से हटा दो, तो हम लोग ये लोग कहाँ जाएँ? यहाँ के हम ट्रैफिक के रूल फॉलो करते हैं, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, पब्लिक का पहले हम ध्यान रखते हैं कि अभी किसी को कोई परेशानी ना आए, कोई भी ट्रैफिक की समस्या नहीं आने दे रहे, तो ये हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? हम ये चाहते हैं कि सभी को रोजी रोटी, जैसे 10-12 दिन हो गए कोई भी घर में रोजी रोटी, बच्चे वाले सभी को खाना मिलना चाहिए, जैसे आम लोग हैं, आम की पार्टी है और आम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। नगर निगम की तरफ से कुछ फीस दी जाती है, आपने दी हुई है कुछ? सर हमें लाइसेंस इशू किए गए हैं, ठीक है, कॉरपोरेशन की तरफ से ट्रेड लाइसेंस भी इशू किए गए, कईयों को वेंडर के कार्ड दिए गए हैं, कुछ को कार्ड नहीं भी दिए गए। फीस कितनी इन्होंने लिया सर? इन्होंने फीस 800। एक मिनट सर, ऐसे मैं वही कह रहा हूँ, कुछ लोगों के जो है 300 फीस है, कुछ की वेंडर की अलग है, जिन्होंने ट्रेडिंग का लाइसेंस लिया उनके अलग फीस है, अलग अलग फीस दी जाइए, ठीक है। मीटिंग की है इनको इनके साथ? मीटिंग भी हुई है, वो कैसे उधर चला, तो क्या उधर के लोग जो हैं जो 5-7 किलोमीटर की दूरी पे चल के आएंगे, मान लो किसी को गेस्ट आ गया कोई आइटम लेनी है, क्या वो 7-8 किलोमीटर चल के जाएंगे? हम तो ये जैसे जहाँ पर ये हम लोग सभी लगे हुए हैं वहीं पर हमें लगाने की इजाज़त दी जाए, हम लोग जो है ये इंश्योर करते हैं कभी ट्रैफिक की समस्या नहीं आएगी और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, और पहले भी हम रख रहे हैं। सर की काम करते हो? सर रेडी लगाते हैं। क्या क्या मामला क्या है जो? मामला सर है कि कमेटी द्वारा सर सुन तंग किया जा रहा है रोज़, कमेटी द्वारा रोज़ तंग किया जा रहा है, 11-12 दिन हो गए सर, हंसी रोज़ उठते फिरते हैं, मीटिंगें 3-4 हो गई है, कोई हल निकलता नहीं सर। कारण क्या बताते हैं? कारण ये बताते सर कि कॉर्पोरेशन को लो आओ, एक कहते सर अब पीछे ऑर्डर मिला है, हसी पीछे अमले साहब जान को लेते हैं, अमले साहब कहते हैं तुम्हें दसो जी आगे ऑर्डर मिला हुआ है, स्मार्ट सिटी बनानी है। नगर निगम वाले फीस भी लेते हैं सर? 800 रुपये फीस भी लेते हैं, 800 रुपये फीस भी भरते हैं, एक कार्ड सड्डा बना हुआ है वार्डन का। हाँ जी कहते कार्ड बना हुआ तो चड्डा फिरता रोड़ी लगाओ, एक जगह खा ना खड़ो, हाँ जी सर मैं खुलचा बना दे या फिर चाय बना दे या फिर कोई कुछ बर्गर बना है और चलता फिरता क्यों बनाऊंगा सर? कितने रेडियाँ टोटल सर? सड्डे रेडी पटियाले सर 1400-1500 से ऊपर ही हैं। सभी आए हैं? सारे आए हैं सर, बाकी और आ रहे हैं। अभी क्या मांग है आगे की? क्या मांग है सर? मांग असं जितने लाते हैं उसी पीछे कर जगह दे दो, असं उत्थे लाते हैं, जो कहोगे असं वो पालन करेंगे, ट्रैफिक भी जरा रोल आएगा, असं ट्रैफिक भी सारा कुछ मार रहे सर, ट्रैफिक पीछे कर लगाओगे असं, वो सारा कुछ कर रहे हैं सर। नगर निगम में मुलाजिम आते हैं आपको बोलते हैं कौन किस सर? समान सारे कहते हैं पीछे ऑर्डर मिला हुआ है। किसका ऑर्डर? कहते हैं सर पीछे ऑर्डर मिला हुआ, नाम नहीं दसते किधर ऑर्डर मिला हुआ किधर नहीं, कहते सर ऊपर ऑर्डर मिला हुआ, ऊपर से पूछते हैं नाम दसते नहीं है, समान चाहे सिलेंडर चक ले जाता है, टेबल चक ले जाता है, कुछ चक ले जाता है सर।
ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਿਓ ਰੇੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਰੇੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੇ ਨੋ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜੋਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਸਮਾਰਟ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 800 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਆ ਜੀ ਪਰ ਮੰਥ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਕਾਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ आप खुद एक्टिवा चला के पिछे कृष्ण जी बिठाओ नाल असीं भी चलदे आं जी एक काउंटर दा दौरा तुसीं आप करो अपने आप देखो हालात की हैं तुसीं ओ छोड़ो मैंने तो साइकिल पे भी पूरे शहर दा दौरा कीता है मैं कहा बहुत अच्छी बात है जी बिना किसी दे सपोर्ट ओ गल छड्डो तुसीं मेरे दौरे दी मैंने तुर के भी दौरा कीता है बहुत वधिया जी सिर्फ पुलिस मुलाजम उदो फोन करदा भी अग्गे आ रहे ने ओ ट्रैफिक वाला उत्थे आ गया चलो तो एसएसपी साहब तो गल करते जी ट्रैफिक की प्रॉब्लम कह रहे हो साडा प्रेरोगेटिव नहीं है उन्होंने प्रेरोगेटिव है देखो मेरे लिए होने के बंदे इकट्ठे होके आए ऊंची ऊंची बोले मेरे को आज तक मेरे को 9 साल की नौकरी हो गई तुसी तो 550,000 किसान यूनियन वाले से असी मेरे को बिल्कुल प्रेशर नहीं होता इस चीज़ का तुसी ऊंची बोले जाओ प्रेशर बनाई जाओ मेरे पे 1% का प्रेशर नहीं है इस चीज़ का ठीक है तो जेडी मैं कह रहा हूँ कि एक बारी तुसी मैनू अज शाम को लिस्ट दा दो असि रीसर्वे कर लेते जेकर सानू लगता है ठीक है ला लेना कल से ला लेना पहले एक बार सानू एक बार मेरी गल तो मनो मैनू लिस्ट कोई नहीं जी मैडम तुसी है कोई नहीं तुसी मैडम मैडम पिछले 4 महीने तुसी है ना किस चीज की रेडी बच्चे आए थे पापा की लेके आए हैं सर वास्ते बेकरी है सर बेकरी है अच्छा जी सर सर मैं आपको सर नाल भेज दो असी आप ही दस देने और असी ला पुलिस वाले सर मैं बता दूं पुलिस वाले जाओ चेक करो एक मिनट एक मिनट पापा की आ जाती है पुलिस वाले को कुछ ना पता ही है सर 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 एक कोई रेडी नहीं लगनी मैडम जी मैडम मेरी कोई नहीं मैडम मेरी गल तो सुन लो पूरी पूरी दा या तो तुसी मेरी सुन लो आप भी यार फिर इनको है ना एक बार आप लेके जाओ एक काम करो सर नहीं आत्मा बोलती पई परेशान है करो कुत्ते पे ही ता बोल दे किसने रोका तुसी है ना यार है ना ये बंदे ने रोका मेरी गल सुनो मेहनत करके रोटी नहीं खाने की एक है ना एक मैडम मेरी गल सुनो मैडम थोड़ी आवाज उच्ची है तुसी मेरी गल नहीं सुन रहे हैं थोड़ी आवाज उच्ची है तुसी मेरी
थोड़ी आवाज उच्ची है, तुसी मेरी गल तो सुननी नहीं। तो तुसी गल करेंगे पहले तो मैं थोनू इशू दस दूं की सीगा। देखो जी जेड़ा अज कट हो के आया बेसिकली की सीगी कि असी हाउस ने एक मता पा के नोटिफिकेशन की सीगी जिहड़ी म्यूनसिपल कारपोरेशन पटियाला दे विच नो वेंडिंग जोन है जिधर रेहड़िया नहीं खड़ सकती और वेंडिंग जोन है जिधर रेहड़िया खड़ सकती है। तो जिन्हें भी ये कट होके आए सीगे इहदे विच मैक्सिमम लोग, मैं नहीं कहूँगा सारे, मैक्सिमम लोग नो वेंडिंग जोन में खड़े सीगे। उधर असी काफ़ी लंबे समय तो बोर्ड्स भी लगाए हुए कि नो वेंडिंग जोन है, इधर रेहड़िया ना खड़े। तो इन्हों काफ़ी लंबे समय तो असी यदी अपना अनाउंसमेंट भी करा रहे थे क्योंकि प्रॉब्लम की सी कि डेली मैनू डेली लोग आते हैं, डेली एसोसीएशन आती है, डेली कॉलोनी एसोसीएशन आती है, रेजिडेंशियल एसोसीएशन आते, वो कहते हैं कि भाई तुसी ये रेहड़िया इत्थे खड़ा हटाओ, ये नो वेंडिंग जोन है, सरकार की नोटिफिकेशन है, ये नो वेंडिंग जोन है, फिर भी रेहड़िया इधर खड़ रही है। क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम आती सी क्योंकि लोग रेहड़िया दे नाल आके गड्डी तो बैठ के खड़ते हैं, दारू पी के कई लोग आते हैं, कई लोग शरारती अनुसार इस तरह के आते हैं कि साड़ी बच्चे साना लंघना निकलना दुर्भर हो रहा है, तो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, सानू प्रॉब्लम आ रही है। कई बार इन्ने सर एक पर्टिकुलर एरिया जिदा भूपिंदर रोड है, वहाँ डेली कम से कम है ना हज़ारों वाहन की आवाजाई है, लोगों को प्रॉब्लम होंगी है, उधर ट्रैफिक जाम होंगे है। तो रेगुलर लोग साढ़े को आ रहे थे कि भाई ये इनू हटाओ और ये थोड़ा ऑलरेडी मता पास हो रखा है नो वेंडिंग जोन का, तो उस पर ही असी कार्रवाई की सी। रेहड़िया असी शिफ्ट कर किया सीगा, उन्होंने असू किया सीगा कि जी ऑल्टरनेट साइड तुसी दे रहे हैं वो दे नाल ही है 100 मीटर, जिदा भुपिंदर रोड चौक तो असी कह रहे हैं नाबर रोड पर 10 मीटर 20 मीटर दूरी और जिहड़ा एरिया है उधर तुसी ला लो, उदो इंटरलॉकिंग टाइल ला के प्रॉपर अपने लाइट ला के असी उदा अरेंजमेंट करेंगे। तो लोगों का सीगा कि असी उधर नहीं जाना, प्रॉब्लम सी, तो इस करके अज ये कट होकर मेरे को आए सीगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रीट फूड स्ट्रीट का प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सानू 1 करोड़ रुपए दे रही है, ये असी 2.69 करोड़ का एस्टिमेट बनाया है। वो जिदा तुम अगर कोई इंदौर गया है तो इंदौर में 56 दुकान है, उस तर्ज पर अपन पटियाले दे विच फूड स्ट्रीट बना रहे हैं। ये लोकेशन भी असी आइडेंटिफाई कर ली है, यदा मता भी साडा पड़ गया, यदा गवर्नमेंट दे वल्लों अप्रूवल भी आ गई है। तो अपना तो ये जड़ा स्ट्रीट फूड वेंडिंग का साडा प्रोजेक्ट 2.69 करोड़ का एस्टिमेट बन गया, 1 करोड़ गवर्नमेंट तो आने, जदों ही साढ़े को पैसे आते हैं असी यदा टेंडर ला देंगे, चंडीगढ़ चीफ इंजीनियर असी बैटिंग लिए भेजा। ये बहुत वधिया प्रोजेक्ट है, तुसी देखोगे लोगों को नाम सुन के लगता है फूड वेंडिंग या स्ट्रीट फूड, लेकिन जब तुसी मौके पे मैं थोनू है ना उदा डायग्राम शेयर करूँगा, थोनू लगेगा कितना वधिया प्रोजेक्ट है। टॉयलेट्स बनानी है, पार्किंग है लोगों के लिए बैठन के लिए, जिदा असी विदेश में जाके बाहर बैठ के खाते ना उदा तो असी साडा बहुत वधिया प्रोजेक्ट है। यदा देखो सल्यूशन ये बनता है, ये 2020 की नोटिफिकेशन सी, लेकिन उस तो बाद कुछ नए एरिया इस तरह के डेवलप हुए हैं जिधर स्ट्रीट वेंडिंग ओवर द टाइम ग्रेजुअली बनी है। तो साड़ी प्रपोजल सी कि इहदा रीसर्वे कराओ, और रीसर्वे करा के कुछ जिहड़े एरिया सीगे जिधर अब वायबिलिटी बन गई है स्ट्रीट वेंडिंग दी, तो वो असी नोटिफिकेशन प्लस जिहड़ा असी मता पा के नोट बना के सरकार नूं भेजेंगे कि सरकार उहदे विच विचार करे, और जेकर उन्होंने ठीक लगता है तो ये सानू परवानगी दे। कोई भी अगर इस तरीके से रेहड़ी लाता है, लेकिन नॉर्म्स होते हैं कि कोई भी किदा भी ला सकता है रेहड़ी बार, किदा ही ला के बैठ। देखो जी कोई लाइसेंस है उसके विच की नॉर्म्स होते हैं, एदा है ना बकायदा स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बना हुआ है, उदे विच इन्हानू बड़ा स्पेसिफाई किया है कि पहली बार टू बिगिन विद तो किस किस एरिया में लगानी है, उसके बाद उसमें इन्हानू नॉर्म्स में दिता है कि कितना एरिया कवर करना है और की हाइजीन मेंटेन करनी है, वो सारे नॉर्म्स इन्हानू रहिंदे हैं। लेकिन बार बार साड़ी कोशिश करने तो बावजूद भी इन्हां दी वायलेशन एक अपने स्ट्रीट वेंडर्स की तरफ से होंदी है,
लेकिन चलो उन्होंने भी असं एक बार नज़रअंदाज कर देते असं इन्हों कहें कि तुम जो नो वेंडिंग जोन है उधर ना लाओ क्योंकि उधर लोगों क्योंकि ये अज की तो है नहीं उस टाइम हाउस सारे लोगों की सहज बुझ सी सारे लोगों की समझदारी सी कि इधर नहीं लगनी चाहिए वोद कारण सके क्योंकि उधर ट्रैफिक फ्लो बहुत सगा उधर रिहायश एरिया और भी बहुत सारे कारण सके हॉस्पिटल लेने से जिदा कोलंबिया के बैक साइड है उधर कई बार एंबूलेंस आनी होंगी है पेशेंट आने होंगे इमरजेंसी व्हीकल आने होंगे कई बार रेडिया करके वो गड्डिया फंस जाती है गड्डिया टाइमली पहुँच नहीं पाती तो इस करके असं लोगों को रिक्वेस्ट करते कि ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए जो थां असं थोनों दिते हैं तुम उधर ला लो सर इन्हां कोल कार्ड ने जी बंदे कोल कार्ड है फीस भरी हुई है वो फीस जो दी थी या कार्ड दी थी उदो चेक नहीं किया गया भी कितने लगा रहे कितने नहीं क्योंकि अज अगले का कम चल जाता फिर उन्होंने पटना औखा हो जाता हाँ देखो जेडे कार्ड दिते जाते हैं वो उन्होंने एज अ आइडेंटिटी देंदे जाते हैं उसका परपज ये नहीं है कि थोड़ा ये लोकेशन डिमार्केट कर दी कि तुम इधर ही लाओगे वो कार्ड है ना मूविंग दे परपज़ के लिए होंगे और जेकर उन्होंने फिक्स स्टेबल रेडी लानी है तो जी असी वेंडिंग जोन आइडेंटिफाई की है वो रेडी उधर लानी होंगी है कार्ड का मतलब नहीं है कि भाई कार्ड मिल गया तुसी अज इधर खड़ जाना है और बस ये थोड़ी वो कार्ड का परपज़ बिल्कुल नहीं है वो एज अ आइडेंटिटी है स्ट्रीट वेंडर की जिस तो कई बार लोग सानू शिकायत करते हैं कि मैनू जेडे भी कोई पैसे मंगता है कुछ मंगता है तो कार्ड उसकी आइडेंटिटी है कि कोई उन्होंने खज्जल खुआर ना करेगा कोई कॉरपोरेशन का बंदा आके परेशान ना करे कोई होर बंदा आके परेशान पुलिस के मुलाजम आके परेशान नहीं करे इधर खड़ा है उधर खड़ा है जब उसके कोल कार्ड है उसकी आइडेंटिटी है वो स्ट्रीट वेंडर है पिछली मीटिंग तुम्हारी एमएलए साहब ने बड़ी सख्ती विभाग में भी काफ़ी कहा कि इसको खत्म किया जाए आज वही आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे तुम्हारे प्रेशर पा रहे हैं कि दोबारा रिन्यू कर दिए जाए देखो ये है जिदा मैंने मीटिंग में भी किया सेगा कि चलो मैं इन्हों का भी मैनू भला देखना है जेडे 500 लोग है 1000 लोग है इन्हों का भी परिवार है इन्हों का भी रेडी है लेकिन नाल मैनू जेडे शहर के 500,000 लोग है उन्हों का भी देखना है उन्हों के बारे में भी सोचना है वह भी मैनू आके कहें कि भी सानू इन्नी प्रॉब्लम आ रही है ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही जिदा मैंने कहा कि उन्होंने अनसेफ उन्होंने लगता जो जाते हैं तो मैं एक बैलेंस करके चलना है शहर के 500,000 लोगों का भी बैलेंस करना है और जेडे ये 5,000 लोग है 10,000 लोग है इन्हों का भी मैं बैलेंस करना है ये कोई पॉलिटिकल किसी के कहते नहीं है ये जिदा लोगों के भले के लिए असं कर रहे हैं ਜੋਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਕਰ ਤੁਸੀਂ 22 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ